सामान्यतः विवाह पत्रिका में दूल्हा दुल्हन का नाम और परिवार का नाम होता है, लेकिन बालाघाट में 11 जून को ही शादी में विवाह कार्ड में ही अंगदान जागरूकता का संदेश दिया। कार्ड में शादी सामाजिक संस्कार अंगदान जीवन दायक संस्कार कोट कर जबलपुर में बर्मन परिवार ने अंगदान का संकल्प लिया। यही नहीं बल्कि सलमान खान से प्रेरित दूल्हे प्रभात बर्मन के अंगदान करने के इस संकल्प में उनकी जीवन संगनी बनी कटंगी तहसील अंतर्गत उजाड़ बोपली निवासी भूमेश्वरी ने उनका साथ दिया। जयमाला से पहले दूल्हा दुल्हन ने अंगदान का ऐलान किया। प्रभात ने इसके लिए सलमान खान को अपना प्रेरक स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि सलमान खान के बोन मेरो दान करने से यह विचार मन में आया। प्रभात स्वयं सलमान खान के संस्था बींग सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था जबलपुर से जुड़े हैं। दरअसल बालाघाट जिले के कटंगी तहसील से सटे ग्राम उजाड़ बोपली में 11 जून रविवार की रात शादी समारोह आयोजित हुआ। इसमें दूल्हा दुल्हन ने जयमाला से पहले अंगदान करने की घोषणा कर समाज को अंगदान महादान का अनोखा संदेश दिया। मध्य प्रदेश राज्य और बालाघाट जिले में संभवतः ऐसी पहली बार हुआ है जब विवाह के पूर्व वर वधू ने अंगदान करने का फैसला किया है। शास्त्री नगर जबलपुर निवासी दुर्गा प्रसाद बर्मन की बेटी प्रभात और उजाड़ बोपली निवासी स्वर्गीय भगत सिंह बिनाके की बेटी भूमेश्वरी ने अंगदान करने का ऐलान किया है। घोषणा के बाद दोनों ने एक दूसरे को जयमाला पहनाकर साथ निभाने का वादा किया। इससे पूर्व गांव में डीजे की धुन पर प्रभात की बारात निकली और वर वधू के घर पहुंचते ही विभिन्न सामाजिक रीति रिवाज विवाह संपन्न कराया। प्रभात बर्मन ने विवाह समारोह के निमंत्रण कार्ड पर भी बाकायदा अंगदान महादान का स्लोगन लिखवाया था ताकि अपने नाते रिश्तेदारों को अंगदान के लिए प्रेरित व जागरूक कर सके। विवाह समारोह में फिल्म अभिनेता डॉक्टर CH लिचाओ भी आने वाले थे, लेकिन जरूरी काम के चलते वह इस विवाह समारोह में नहीं शामिल हो पाए। उन्होंने वीडियो संदेश के जरिए वरवधू को बधाई भेजी। फिल्म अभिनेता राजदीप सेंगर ने भी प्रभात को बधाई दी और कहा कि वरवधू अंगदान कर रहे हैं, इसके इस पुनीत कार्य से अन्य लोगों को जीवन दान मिलेगा। नव दंपत जीवन की शुरुआत करने वाली दुल्हन भूमेश्वरी बताती है कि उन्हें अंगदान के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। जिसके बाद उनका विवाह हुआ, वह सामाजिक संस्था से जुड़ी, उनके मुझे अंगदान के बारे में बताया और मैं उनके इस काम में बहुत ही प्रेरित हुई। मैंने भी अंगदान करने का फैसला किया। मेरे पति ने मुझे बताया कि अंगदान करने से किसी को नया जीवन दान मिलता है। मुझे यह बात बहुत ही अच्छी लगी और मैंने यह फैसला किया। मेरे परिवार वाले भी इस फैसले से बहुत खुश हैं। जो अंगदान करने का फैसला है, इसका विचार कहाँ से आया आपके मन में? ये सन 2007 की बात है। मैंने टीवी में इसके बारे में देखा था और दूरदर्शन पे एक मोहन फाउंडेशन जो है उसके बारे में मुझे पता चला कि इस तरीके का कोई काम होता है। इसके अलावा बॉलीवुड फिल्म अभिनेता सलमान खान साहब ने बॉन में वो अपना दान किया था, जिससे प्रेरित होकर मुझे और ज़्यादा इसके बारे में पता चला, तो मैंने अंगदान का फिर संकल्प लेने का फैसला किया। और अभी तक ऐसे शुभ कार्य में अंगदान की कभी बात नहीं होती है, इसलिए मैंने विवाह में अंगदान का संकल्प लेने का फैसला लिया। कहाँ से प्रेरणा मिलती है आपको? मतलब जैसे आपने ये कहा तो आपकी धर्म पत्नी भी विवाह समारोह के बाद जो है अंगदान की आप घोषणा करें पति पत्नी ने, तो उनको क्या आपने प्रेरित किया या उन्होंने खुद से कहा कि आपके फैसले का तो सहमत है? मैंने उनको अंगदान के विषय में बताया था कि मैं ऐसा संकल्प करना चाहता हूँ, तो उन्होंने मेरे इस कार्य में मेरा साथ दिया और उन्होंने कहा कि हम भी इसका संकल्प लेंगे। इस तरीके से आया क्योंकि इसके बारे में जानकारी मुझे नहीं थी, लेकिन एक्चुअली जिससे आज मेरा विवाह हो रहा है वो एक ऐसी संस्था से बिलोंग करते हैं, मोहन फाउंडेशन, और वो समाज सेविका भी है। उन्होंने मुझे इस विषय में बताया कि किस प्रकार से मतलब हमारे अंग डोनेट करने से किसी अन्य लोगों की सहायता मदद मिल सकती है और हम अन्य लोगों को ज़िंदगी दे सकते हैं। इससे मुझे प्रेरणा मिला कि नहीं, हमें अपना अंग डोनेट करना चाहिए। आपके